बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और आप मेरे चैनल पे आए. तो अब आई गया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मेरे बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हो. मैं इस चैनल पे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो. इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ऑयल रेसिपी जो कि मैं लगाती हूँ अपने बालों पर, जिसकी वजह से कि मेरी हेयर की ग्रोथ इतनी ज्यादा है. मेरे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं बहुत जल्दी, ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी होने लगेगी और बहुत जल्दी आपके बाल लंबे होने लगेंगे एंड ऑल्सो हेयर फॉल को भी बहुत ज्यादा कम कर देगा. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. ऑयल को बनाने के लिए हमें बेसिकली कोई खर्चा ही नहीं करना, सब सामान हमारे घर पे ही अवेलेबल रहता है. एंड ऑल्सो अगर आपको प्रूफ देखना है कि मैं अपने बालों पे सच में हेयर ऑयल लगाती हूँ कि नहीं, तो आप देख सकते हो कि मेरे जो बहुत ही पहले के वीडियोज है, आप देख सकते हो एक साल पहले लाइक वीडियोज मेरे बालों की ग्रोथ कितनी कम थी, मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था और ये जो मेरा पार्टीशन था ना गाइज, ये बहुत ज्यादा वाइड हुआ करता था. बट अब ऐसा नहीं है, अब मेरे बालों में ग्रोथ काफी होने लगी है एंड मेरा जो है हेयर पार्टीशन भी बहुत ज्यादा नैरो हो गया है. सो आई जस्ट यूज दिस ऑयल ऑन अ रेगुलर बेसिस. अगर आप इस ऑयल को रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे, ऑफकोर्स आप कोई भी चीज रेगुलर करोगे तो ही वो काम असर देगा. जो आपके बेबी हेयर है ना गाइज, आपके बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, बाल वापस नहीं आते हैं, वो चीज होने लगेगी. दैट मीन्स कि आपके हेयर में जो है बेबी ग्रोथ की, बेबी हेयर की ग्रोथ आने लगेगी वापस से, तो आपके बाल और ज्यादा थिक स्ट्रांग एंड लॉन्ग हो जाएंगे. तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट सी हाउ टू मेक द ऑयल. तो मैंने लिया है चॉप्ड हिबिस्कस, चॉप्ड अनियन, थोड़े से एलोवेरा लीव्स जो कि बिल्कुल चॉप्ड है एंड नेक्स्ट मेरे पास है कड़ी पत्ता फ्रेश बिल्कुल और थोड़े कलौंजी सीड्स. सबसे पहले अपने फेवरेट ब्रांड का कोई भी कोकोनट ऑयल लेके हमें इसे अच्छे से साफ से वेसल में हीट करना है. जैसे ही आपका तेल गर्म हो जाए तो आपको धीरे धीरे अब सब कुछ ऐड करना है. बट ध्यान रहे कि जब आप ऐड करो तो अपने हाथों को थोड़ा सेफ रखो क्योंकि ये एक्सप्लोड होता है. मैं भी इस तरीके से एक्सप्लोड होता है गाइस, तो बी केयरफुल. थोड़े देर के इंटरवल में यू मेक श्योर कि आप इसको हिला रहे हो, थोड़ा चला रहे हो, नहीं तो ऑयल हमारा जल सकता है. तो हमें इसे मीडियम हीट पे हीट करना है फॉर अराउंड 15 to 20 minutes. और अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे तो ये थोड़ा थिक होने लगेगा और इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा. हम इस ठंडे ऑयल को थोड़ा सा फिल्टर कर लेंगे किसी ग्लास जार में. तो मैंने इस कप में फिल्टर किया है गाइस एंड इसके बाद मैं ट्रांसफर करूंगी एक ग्लास बॉटल में. इस ग्लास बॉटल में गाइस ड्रॉपर भी है, तो ड्रॉपर का क्या यूज है मैं इस वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी. तो अब मैं इसे ड्रॉपर से ट्रांसफर करूंगी अपने एक्चुअल ऑयल बॉटल में एंड इसके बाद हमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल. तो मैंने ये डाबर का कैस्टर ऑयल लिया है गाइस. तो आप देख सकते हो कि जब मैं कैस्टर ऑयल को इस ऑयल में पोर कर रही हूँ तो कैस्टर ऑयल नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत थिक कंसिस्टेंसी का होता है. तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड यू गाइस कैन सी कि कैस्टर ऑयल क्लियरली नीचे पूरा जाके सेटल हो जाएगा. कांग्रेचुलेशंस गाइस क्योंकि आपने अभी अपना हेयर ऑयल हर्बल वाला बिल्कुल बना लिया है. मैंने इतना सारा ऑयल अपने पास स्टोर करके रखा है, ये ड्रॉपर वाला जो है जिसे मैं यूज करती हूँ अपने बालों में एंड दिस इज अ बैकअप. जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं इसमें उसको पोर कर लूंगी एंड मैं इसे यूज करूंगी. तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने इसे ड्रॉपर फॉर्म में क्यों यू नो स्टोर किया है. तो जब हम अपने ड्रॉपर से अपने बालों में हेयर ऑयल लगाते हैं ना गाइस, तो इसका मेन यही है कि हम जितना चाहे उतना ऑयल वहीं लगा सकते हैं जहां हमें लगाना है. क्योंकि अगर हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं अप्लाई करने के लिए हेयर ऑयल को, तो अपने हैंड में बहुत सारा तेल रह जाता है, अपने बालों में नहीं जाता. एंड रूट्स पे लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑयल को. तो प्रॉपर से डायरेक्ट हम रूट्स पे अगर हम ऑयल डालेंगे तो हमारा काम और ज्यादा अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा. तो बेस्ट है कि आप ड्रॉपर लगाओ. वेल ये है एक फाउंडेशन का बॉटल जो कि फाउंडेशन एक्सपायर हो गया था एंड मैंने उसको धो के अच्छे से क्लीन करके धूप में सुखाया है ताकि बैक्टीरियाज नहीं है इसमें एंड मैंने इसमें ऑयल स्टोर किया है. आप भी कर सकते हो. ओके गाइस, तो हेयर ऑयल को अप्लाई करने के बाद आपको इसे ओवरनाइट रखना है ताकि ये काम कर सके अपने बालों में. और अगर आप कहीं बाहर नहीं जाते हो तो आपको इसे नेक्स्ट डे वॉश कर लेना है अपने फेवरेट शैम्पू से. तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. अगर हाँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. एंड या आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.